हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल प्रीतिस केक एंड कुकिंग। अभी दिवाली नज़दीक ही आने वाली है तो हम मिठाई बनाएंगे। आज हम बेसन की बर्फ़ी बनाएंगे। ये जो रेसिपी है जो मैं आप सभी को शेयर करने वाली हूँ, इसकी रेसिपी मैंने मेरे सास से सीखी है बेसन की चक्की की। वो बहुत ही अच्छी और लाजवाब बेसन की चक्की बनाते हैं, तो मैंने सेम उनकी रेसिपी को फॉलो किया है और आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत ही टेस्टी एंड लाजवाब बनती है ये मिठाई। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम ये रेसिपी फटाफट से स्टार्ट करते हैं। Hey guys, it's me, Preeti. Welcome back in my channel, Preeti's Cake and Cooking. सबसे पहले हम बेसन की चक्की बनाने के लिए एक बड़ी कढ़ाई लेंगे। उसमें मैंने 350 ग्राम शुद्ध देसी गाय का घी ले लिया है। घी को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है, यहाँ पे हमें गैस की फ्लेम को लो रखना है और हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। एक बार में मैंने यहाँ पे 450 ग्राम बेसन लिया है। 50 ग्राम जो बेसन है वो हम बाद में यूज़ करेंगे। पहले हम घी और बेसन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इतने घी बेसन को। फिर उसके बाद में हम 50 ग्राम जो एक्स्ट्रा हमारा बेसन है जो हमने रखा हुआ है उसको हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे हमें बेसन को घी में अच्छे से मिक्स कर लेना है, इसको हमें चलाते रहना है और गैस की फ्लेम को हमें लो ही रखना है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आपको परफेक्ट बिल्कुल बेसन की बर्फ़ी चाहिए, चक्की चाहिए, तो आपको बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करनी है। इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें लगभग आधा से पौना घंटा के लिए हमें बेसन को घी में सेकना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, घी और बेसन अच्छे से मिक्स हो गए हैं, तो मैंने जो 50 ग्राम बेसन रखा था अलग से उसको भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब इन सबको अच्छे से हम धीरे आंच में बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें लगातार चलाते रहना है और इसे सेकना है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ कि हमने टोटल यहाँ पे 500 ग्राम बेसन लिया है और 350 ग्राम घी लिया है उस बेसन को सेकने के लिए। तो ये हमारा परफेक्ट मेज़रमेंट है। आप जब बेसन को स्टार्टिंग में सेकेंगे तो आपको थोड़ा सा टाइट लगेगा बेसन, और थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी बेसन को सेकने के लिए, थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा हाथों का। लेकिन जैसे जैसे बेसन सिकता जाएगा तो आपका बिल्कुल ये जो बेसन है वो घी छोड़ देगा और बिल्कुल आराम से ये फिर मिक्स होगा, हिलेगा आराम से। देखिए हमारे बेसन का कलर चेंज होने लग गया है, हमारा बेसन लगभग सिक चुका है। तो अभी हम इसमें मावा ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम मावे का यूज़ किया है। तो मावे को भी हमें बेसन में लगभग 10 मिनट तक लो फ्लेम पे धीरे धीरे सेकना है, ताकि हमारा जो मावा है वो बेसन के साथ मिक्स होके फूल जाएगा। जब हम मावे को 10 मिनट तक बेसन में सेकेंगे तो उसका जो टेस्ट आएगा फ्रेंड्स, वो चक्की आप बनने के बाद में और खाएंगे जब आप बनाएंगे घर पे, तभी आपको समझ में आएगा। उसका जो टेस्ट है वो बहुत ही औसम लगता है। तो देखिए हमारा बेसन भी अच्छे से फ्लफ़ी हो गया है, फूल गया है मावा डालने के बाद में। तो इसे हमें आराम से 10 मिनट तक सेकना है मावे को लो फ्लेम पे। तो यहाँ पे हमारा मावा भी अच्छे से सिक के रेडी है। तो यहाँ पे हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और जो हमारा ये मिश्रण है, जो हमारा मिक्सचर बना है बेसन का, उसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, एक थाली में, और थोड़ा उसे ठंडा होने के लिए रखेंगे जब तक हम बेसन की चक्की की चाशनी तैयार करते हैं। तो यहाँ पे हमने उसी कढ़ाई का यूज़ किया है। तो यहाँ पे मैं एक ग्लास पानी ले लेती हूँ। एक ग्लास पानी का मतलब हो गया 150 ml पानी लिया है मैंने, और इसमें हम लगभग 400 ग्राम शुगर ऐड करेंगे। तो अभी यहाँ पे हमें गैस की फ्लेम को हाई कर लेना है और हमें इसको लगातार चलाते रहना है जब तक कि हमारी जो शुगर है वो पानी में अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती है। जब हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी पानी में, तो यहाँ पे हम फूड कलर ऐड करेंगे थोड़ा सा इसमें। यहाँ पे मैंने येलो कलर का फूड कलर लिया है, बिल्कुल थोड़ा सा हमें फूड कलर डालना है। थोड़े से फूड कलर से देखिए इतना अच्छा कलर आ जाएगा चाशनी में हमारा, और जो हमारी चक्की है उसका भी कलर बहुत ही अच्छा लगेगा, दिखने में सुंदर लगेगा वो। और उसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे हमें एक तार से कम की चाशनी चाहिए थोड़ी सी, बिल्कुल एक तार नहीं चाहिए हमें, एक तार से थोड़ी सी कम चाशनी चाहिए। तो उसे हम इस तरह से चेक करेंगे। देखिए इसको हम एक पानी से भरी हुई कटोरी में ये चाशनी को डालेंगे। देखिए चाशनी बिल्कुल अच्छे से जम रही है पानी में, तो मतलब हमारी चाशनी बिल्कुल परफेक्ट है। तो अभी हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और अभी हम इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे, ताकि दूध ऐड करने से क्या होगा, हमारी जो चक्की होगी वो बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी, हार्ड नहीं बनेगी।
तो यहाँ पे हमने लगभग 3 टेबलस्पून दूध ले लिया है, उसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। दूध डालने से हमारी चक्की बहुत ही सॉफ्ट होगी खाने में। तो देखिए, इस चाशनी को हमने नीचे उतार लिया है गैस से, और जो हमने बेसन सेक के रखा था उसको हम चाशनी में ऐड करेंगे। अभी यहाँ पे आप देखिए, हमने पूरे बेसन को चाशनी में डाल दिया है। अभी हमें इसे मिक्स करना है, लेकिन आप देखिए थोड़ा सा गीला लग रहा है जो बैटर है चाशनी और बेसन वाला, लेकिन आप ये देख के बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, पहले आपको ये गीला ही लगेगा। इसको अच्छे से आपको 5 मिनट तक मिक्स करते रहना है, और जो बेसन की गांठें हैं वो बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए, हमको बिल्कुल स्मूथ बैटर चाहिए। तो इसे हमें 5 मिनट तक हिलाते रहना है, मिक्स करते रहना है आराम से, और जब तक ये हिलाते हिलाते मिक्स होते होते ही थोड़ा सा टाइट भी हो जाएगा ये जो बैटर है वो। आप देखिए, अच्छे से मिक्स हो गया है हमारा बेसन चाशनी में। अभी हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। प्लेट में हम अच्छे से पहले घी लगा लेंगे चारों तरफ, अच्छे से हम घी से ग्रीस कर लेंगे, फिर हम हमारा जो बैटर है उसको हम प्लेट में अच्छे से फैलाएंगे। आपको बेसन की चक्की की जो थिकनेस है वो ज़्यादा पतली चाहिए कि मोटी चाहिए, उसके हिसाब से आप प्लेट के ऊपर इस लेयर को फैला दीजिए। मैं यहाँ पे थोड़ी सी मोटे साइज़ की चक्की बना रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा प्लेट के ऊपर तक इस लेयर को लगा रही हूँ, और देखिए इसको इस तरह से हम थोड़ा सा थपथपा के और इस तरह से ऊपर नीचे करके इसका हम लेवल इक्वल कर लेंगे, मतलब कि चारों तरफ जो है ये बैटर प्लेट के अच्छे से इक्वली आ जाए। अभी हम बेसन की चक्की को ठंडा होने के लिए रखेंगे। जब बेसन की चक्की थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो उसके ऊपर हमें चांदी का वर्क लगाएंगे हम। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स भी लगा सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं इसे, लेकिन मैं यहाँ पे चांदी का वर्क यूज़ कर रही हूँ, उसका मैं गार्निशिंग कर रही हूँ। तो देखिए, मैं जो चक्की है उसके ऊपर चांदी का वर्क लगा दूँगी इस तरह से। अभी हम बेसन की चक्की को पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे, और ठंडा होने के बाद में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके हम पीसेस कट कर लेंगे, छोटे या बड़े साइज़ के, जिस तरह से आपको पसंद है वैसे आप इसके पीस कट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़े से बड़े साइज़ की चक्की कट कर रही हूँ। हमारी चक्की बहुत ही सॉफ्ट एंड परफेक्ट बनी है, आप देखिए मैं इसे कटिंग कर रही हूँ, ये बिल्कुल आराम से कट हो रही है, और देखिए हमारी जो चक्की है वो टूट भी नहीं रही है, कट करते वक्त आराम से कट हो रही है, और जो इसकी फिनिशिंग है वो भी काफ़ी अच्छी आई है। अब इसकी शाइन देखिए, ऊपर से बिल्कुल परफेक्ट बनी है। तो देखिए, मैंने इसकी गार्निशिंग प्लेट में कर ली है, मैंने चक्की को निकाल लिया है प्लेट में। ये देखने में जितनी ब्यूटीफुल है, खाने में उतनी ही डिलीशियस है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, और आपके जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी आपके कमेंट्स हैं, सजेशंस हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको मेरे सारे वीडियो सबसे पहले मिल सके। सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू इंटरेस्टिंग रेसिपी।